दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से कोई एक पिक करनी है और वहां से या एक्स को सेपरेट कर लेना या वाई को सेपरेट कर लेना। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने एनालाइज करना है कि जिसका कोफिशियंट वन होगा ना, जिस वेरिएबल का कोफिशियंट वन होगा ना, आप हाँ उसको जी। पिक करोगे। ये बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। लाइक इसकी अगर हम, मैं ये लास्ट वन एग्जांपल देखती हूँ, डी पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे देखें जो सेकंड गया है उसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स जी एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, वन वन। तो वन मैं इस इक्वेशन को पिक करूंगी, फर्स्ट वन को पिक नहीं करूंगी, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने पिक जी। की, 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और मैंने इस एक्स को सेपरेट कर लेना है। एक्स के साथ माइनस वन था, इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लूंगी एंड दिस विल बी 3y+1। तो ये एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल वाई। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो ये क्या देगा, एक्स इज इक्वल टू 3y+1। जी। ओके, मैंने एक्स को सेपरेट कर लिया। ये मेरी फर्स्ट वन इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, मैंने वन पिक की, ठीक है, और वन से मैंने ये थर्ड वन इक्वेशन बना ली। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करूंगी, क्योंकि मैंने इसको इसको मैंने कहाँ से फाइंड आउट किया, टू से फाउंड फाइंड टू आउट से। किया ना। हाँ जी। तो मैं, रीअरेंज किया ना अपने एक्स हाँ फैक्टर बनाया जी, टू से। जस्ट रीअरेंज किया है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी इक्वेशन वन में। इक्वेशन जी वन में क्या होगा कि जहां पे एक्स है मैं वहां पे उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगी, वैल्यू देते हैं। हाँ जी सही है। 2y इक्वल्स टू टाइम्स टू ब्रैकेट यस 3y+1। गुड, एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगी 3y+1 से जी देन एंड माइनस माइनस थ्री। 3। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर चुके हो पहले, एक्सप्रेशन टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आंसर देगा, क्यों मार? क्या? ये सारा का सारा एक्सप्रेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ तो जी कैसे एक्सपेंड करोगे इसे? 6y+2। गुड, 6y+2 जो आपने क्वेश्चन सॉरी चैप्टर 1 में जो चीजें पढ़ी हैं वो यूटिलाइज होंगी अब। जी तो 2y, देन मैं y वाले टर्म्स इक्वल को एक साइड पे कर लेती माइनस हूँ, सिक्स वाई जी और ये 2 माइनस इक्वल 3 इज माइनस 1। माइनस वन जी इनको सॉल्व करूंगी तो क्या आंसर देगा ये? -4 गुड, माइनस 4y इज माइनस इक्वल्स 1 -1 जी। एंड y विल बी 1/4, क्योंकि दोनों साइड्स पे नेगेटिव कैंसिल है तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। कैंसिल हो जाएगा जी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/1/4। गुड, अब जस्ट एक वेरिएबल मुझे नाउन है, सेकंड मैंने खुद अभी फाइंड करा ना एक्स। मैं सेकंड को फाइंड करने के लिए क्या करूंगी, अब मैं इक्वेशन 3 यूज कर लूंगी। आपकी चॉइस है, आप 1 यूज कर लो, 2 यूज कर लो, 3 यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रीअरेंज किया हुआ है इसे, एक्स को मैंने ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है। जस्ट मैं क्या करूंगी, इसकी राइट साइड में वाई की वैल्यू पुट करूंगी और सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3 को पिक करूंगी। 3 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 3, वाई की वैल्यू आपने फाइंड की है, कितनी आई थी, 1/4 1/4+1। अब मल्टीप्लीकेशन करना आती है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3/4+1। जी फ्रैक्शन में आ गया आंसर, तो क्या आएगा, 3 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज देर इज नो न्यूमिनेटर, 1 है आपका डिनोमिनेटर, तो ये डायरेक्ट आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी, 3+4 एंड दिस विल बी 7/4। ओके,